दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है और जियो के सिम में किसी फ्रेंड ने आपके कॉल को हैक कर लिया है, यानी कि आपके नंबर पे कोई कॉल कर रहा है तो उसका कॉल आपके नंबर पे नहीं जा रहा है, कहीं दूसरे नंबर पे चला जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं और किसी ने आपके कॉल को फॉरवर्ड कर दिया है तो हम कैसे जियो सिम में कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि कोई हमारा कॉल सुन रहा है। अगर आपके जियो सिम में अगर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया है तो आप अपने कॉल फॉरवर्डिंग को एकदम चुटकियों में 1 सेकेंड में बंद कर सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके पास जियो का सिम है, नंबर आप पे कॉल लग रहा है और कहीं और चला जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ एक कॉड डायल करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि वह कौन सी कॉड है और कॉल फॉरवर्डिंग कैसे बंद की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बताते हैं कि कैसे कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके पास जियो का जो सिम है, सिम वन में है या सिम टू में है। अगर आपके पास दो सिम है और दोनों कॉल फॉरवर्ड हो चुका है तो यह ट्रिक दोनों पे पारा पारी करना है। अगर एक सिम है, एक ही कॉल फॉरवर्ड की हुई है तो एक सिम पे करना है। उसके लिए आपको फोन डायलर को ओपन करना है। फोन डायलर ओपन करने के बाद में डायलर पैड ओपन करना है। यहाँ पे क्या कॉल डालना है ध्यान से देखिए, *402। ध्यान से देखिए, आपको यही कॉल डालना है *402 और अपने जियो नंबर से इस तरीके से कॉल कर देना है। देखिए, डायरेक्टली कॉल कर दीजिए, सुनिए क्या बोलेगा। शर्त तो कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर दी गई है। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। अभी आपने सुना ना कि कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर दी गई है। कभी कभी हमारे किसी दोस्त ने कॉल फॉरवर्डिंग कर देते हैं या गलती से किसी से हो जाता है। जियो सिम है तो *402 डायल कर दीजिए, आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे थे कि जियो सिम में कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।